देयर इज लिटरली नो ट्रस्ट. यू आर हर्टिंग मी. मिशन 4 लाख. Was also a shitty day. All days are shitty. No, the unless you do shit in the morning and free yourself from the shit. Deserve to see ये बाल्टी क्या कर रही है यार. क्या है यार मेरे डेकोर खराब होता रहता है. ये बड़ा सुंदर डेकोर है. कल जो आपका कार्ड हुआ है ना. क्या हुआ है मैं बता दूं ना क्या हुआ है. श्रेया 50,000 रुपए का एक सामान खो दी. मत बोल यार. और मेरे नेल कटर गुब्बी, तूने नेल कटर खो दिया, तुमने ये खो दिया, तुमने वो खो दिया. और बोल रही थी, मैं बोल रही थी अगर तू किसी व्लॉग में डाल रहा है तो आई डिजर्व. अब मैं जिंदगी में कम से कम, क्यों नहीं दे रहा तू मुझे? अब मैं जिंदगी में कम से कम 500 नेल कटर खो सकता हूँ, ठीक है. एंड यू विल नॉट से अ सिंगल वर्ड. ये तो सोच रहा होगा चलो अच्छा है. जिंदगी भर के लिए वो छुटकारा हुआ कि लापरवाह है, लापरवाह बोलने का है ना. क्या कोई छुटकारा नहीं हुआ. आई ऑल्सो फील बैड, यू नो इट्स हार्ड अर्न्ड मनी. भाई पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए. अभी मैंने ये वाला फुटेज आपने देखा होगा जिससे पहले मैंने बताया कि आज सही दिन नहीं जा रहा, 2 दिन से नहीं जा रहा. पता नहीं अचानक से क्या हुआ, सब ठीक लग रहा है. तो मुझे बोलता कह रहा भाई तू ना पगला है, तेरे को पता नहीं चलता. पल में पूरा डाउन झटके से शाऊ. एक वो आपने देखी उड़ता पंजाब में जैसे मार के चौड़ा होता है, एकदम ही चौकन्ना. भाई मेरा मैं तो करता भी नहीं है सब, पर फिर भी यार पता नहीं यार कैसे एकदम अचानक से मूड से ही हो गया यार. अब मेरा मन कर रहा है दोस्तों बाहर जाएंगे, दिल्ली निकलेंगे, दिल्ली घुमाएंगे आपको. आज मैं रेल म्यूजियम जाने की पूरी कोशिश करूंगा. वैसे पहले एक वेन्यू देखने जाना है. लास्ट टाइम वी प्रोड्यूस आवर ओन शो, इट वेंट वेल, बट देर वर एसी प्रॉब्लम्स एंड ऑल. बट दिस टाइम वी आर लुकिंग एट न्यू वेन्यू एंड लेट्स होप वी आर एबल टू प्रोड्यूस अनदर शो वेरी सून. हाई एनर्जी. पहली सीन है कि रात के बज रहे 12 और श्रेया से आज मेरी थोड़ी बहस हुई इस बात को लेके. जब 9 बजे उसने मुझे फोन करा था, मैंने बोला मैं कहीं बैठा हूँ किसी मीटिंग में हूँ, आई विल कम होम ऑन टाइम. 11:30 बजे शी कॉल लगे एंड शी वॉज लाइक कि तू पी के गाड़ी चला रहा है, विच आई वॉज नॉट बिकॉज आई डोंट डू ड्रिंक ड्राइविंग. और वो मेरे को कह रही तू पी के गाड़ी चला रहा है, तो मैंने क्लियरली बोला नहीं हूँ. कह रही तू पी के आया आज के बाद से बा वो मतलब खूब चले. और मैंने बोला कि अगर मैं बिना पिए आया तो आप मुझे सॉरी बोलोगे और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगोगे. मैं पी के आया हूँ कि नहीं है, देखो ना, ये लो देख लो, टेस्ट कर लो, देख लो, आपको तो पता ही चल जाता है ना जब मैं पी के आता. ये लो. तो सीधी सी बात यह है कि बिना बात का लांछन लेके ना मैं नहीं रह सकता. मैं नहीं भी क्या हूँ तो अब नो, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप. क्या बोला था आपने, हाथ जोड़ के, हेलो, हाथ जोड़ के सॉरी बोलो, सॉरी बोलो हाथ जोड़ के. लो चेक कर लो, हाथ जोड़ के सॉरी तो बोलो. और आपको हमेशा लगता है पी के गाड़ी. आई डोंट ड्रिंक ड्राइव. ओके, मेरा कंसर्न सही है ना? क्या कंसर्न सही है? कंसर्न नहीं, यू हैव टू अग्री, जस्ट से सॉरी. सॉरी जैसे बोला था वैसे बोलो. अब भाई बंदा कोई बाहर रह भी नहीं सकता, कुछ काम से भी नहीं सकता, हर बात पे कि तू पी रहा मतलब यार इरिटेटिंग जाता है एक टाइम के बाद. कोई इतना किसी को बोलो तो हैं, आई स्टिल वांट टू चेक. क्या यू वांट टू चेक? ओके चेक कर लो. क्या कर रहा है? बंद करना इसको. चेक तो करो ना आप, ऐसे पास आके सुन के चेक कर दो ना. लो कर लो. देखा, सॉरी बोलो, हाथ जोड़ के श्रेया, मैंने बता दिया है सबको. नाउ इट्स योर टाइम. सॉरी बोलो, हाथ जोड़ के सॉरी तो बोलो. वो भी मेरा कंसर्न था वो कि प्लीज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव. आई डोंट ड्रिंक ड्राइव. ओके, आई डोंट. मैं आ रहा हूँ सही से, पर किसी काम से बाहर हूँ. आप मेरे पे चिल्लाए कैसे? कि तू किसी से मिलने गया है और बिना पी कर आया, ठीक है? कैसे आप सॉफ्ट स्पोकन बन गए हो ना, मैं तो ये देख रहा हूँ. मैं देख रहा हूँ दोस्तों व्लॉग चालू होते ऐसे सॉफ्ट स्पोकन बनी है कि मैं ही पापी हूँ. तो आप आज का आपने बोला था ना, आज का मैंने आपको बोला था ना, हाथ जोड़ के. भाई कैसे है? अभी मेरे को कह रही है लगता है ब्रेथ एनालाइजर खरीदना पड़ेगा. और ये क्या, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि पीकर नहीं आया. क्यों? क्योंकि पिछले 5 मिनट से गौरव बड़बड़ कर रहा था. जो आपने गौरव बोला मुझे लग रहा है आप कहीं पीके बैठे हुए घर के अंदर. सुन तो मेरी बात तो बोल रहे थे. हां, बड़बड़ कर रहा था और बाद में से पता चला कि इसने वीडियो ऑन ही नहीं किया. द थिंग इज कि देयर इज नो ट्रस्ट. There is literally no trust. भाई ऐसा भट्टी बन रखा दिल्ली जिसका कोई हद हिसाब नहीं है. और अभी तो क्या वेदर हो गया है, माँ कसम ऐसे ही होना चाहिए. कुछ लोग होते हैं ना जो किसी सिचुएशन में खुश नहीं होते. कल ऐसे भट्टी बन रखी थी तब भी कल इतनी कोई ह्यूमिडिटी नहीं है. श्रेया का ना वो हो रहा है, PMS नहीं बोलते. बैठा हूँ अंदर, अच्छी खासी अंदर गई, अंदर से पोस्ट डाल रही है PMSing एंड क्या हो गया, एक्ने मतलब क्या होता है, मुआसे ना किलस जाते हैं यार बेचारी. आज तो पक्का रेल म्यूजियम वाला वेदर है, बस ये है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए जद्दोजहद है. पर मैं अगर थोड़ी रुकी बारिश तो आज पूरी कोशिश करूँगा चले जाऊँ.
एक दिन आना चाहता, मैं चाहता हूँ वो दिन आए जिस दिन मैं रेल म्यूजियम जाऊँ, भले कोई जाए चाहे ना जाए। सुबह 10 बजे हेल्थ पे ज्ञान देने वाला मनुष्य अगर 1:15 बजे मैगी बनाए तो उसे हेल्दी नहीं दोगला कहते हैं। एक चम्मच भी मांगा ना तूने खाने में, तो देखेगा। आपने ज्ञान दिया और आपने मैगी बनाई। हाँ, तो और तू आएगा यहाँ मुझसे मांगने? दो चक खा लूं। सुबह सुबह दोस्तों हेल्थ पे ज्ञान चल रहा था कि तेरे को हेल्दी खाना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए, सब लेना चाहिए, जो कि मैंने किया भी अपनी जान में। मैं 4 पूड़ी खाता हूँ, पर आज मैंने 1 ही पूड़ी और आलू खाया और साथ में 4 अंडे भी खाए। दुनिया भर में कचरा खाता है, ठीक है, गंदा खाकर अपने घर आता है, घर पे आते एक पीने की तो बात अभी इसी ब्लॉग में पहले प्रूव हो चुकी है, ठीक है, तो बोलने की जरूरत नहीं। हेलो, आज होगी वो ना। हाँ हाँ, आज करते हैं ना। आज जो तुम जा रहे हो, आज का तो होता है। यू आर हर्टिंग मी। आज का तो मैंने पहले बताया हुआ था ना। कल ऐसे साधु बन रहा था जैसे कि तू तो छूटा ही नहीं है, एक दिन शायद नहीं छुआ होगा तूने। बड़ा कि श्रेया तो अच्छा खाना ही नहीं बनाती है। ऐसे कौन बोल रहा है अच्छा नहीं बनाती है? मैं कह रहा हूँ बस मुझे ज्ञान चिपका रहे थे और बंदा खुद। आपको पता है गांधी जी के बारे में एक बात बोली जाती है, मेरे पास एक बार एक बच्चा आया, उसने किसी के पेरेंट्स आए बच्चे की वो लेकर के प्रॉब्लम लेके कि हमारा बच्चा शुगर बहुत खाता है, आप समझाओगे तो मान जाएगा। गांधी, महात्मा गांधी के पास? हाँ, ऐसा मैं किसी ने बताया था। महात्मा गांधी के पास? अच्छा, किसी के किसी के पेरेंट्स आए और फिर उन्होंने बोला आप 15 दिन बाद आइए। हाँ। फिर वो 15 दिन आए, फिर उन्होंने बच्चे को समझाया, बच्चा मान गया। तो पेरेंट्स ने बोला 15 दिन का वक्त के लिए आपने, तो उन्होंने बोला क्योंकि मैं बहुत चीनी खाता था तो मैंने छोड़ी 15 दिन के लिए, फिर मैं कहा अब मैं खुद कर लिया तो दूसरों ज्ञान दो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, एकदम करेक्ट मैगी की कंसिस्टेंसी, डोंट यू डेयर टच दिस। आओ लो, छुदो छुदो। हाय राम, कैसे मेरे को मैगी भी नहीं दे रही है। हेल्दी अनहेल्दी है गुबी। जोड़ो ना। मैं कोई बात नहीं, मैं भी बात तोड़ो दो यार। आप लोगों ने कभी ऐसा करा है कोई बंदा कांटे से कुछ खा रहा होता है, आप जाके अपना बीच चम्मच मार दो क्योंकि चम्मच में ज्यादा क्वांटिटी आती है और जल्दी जल्दी ज्यादा तक खा लेते। ये चीप हथकंडे ना, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का खाना खा जाता था। ये गर्लफ्रेंड ही वैसी बनाता था जो पतली पतली, जो मतलब पतली इन द सेंस जो कमजोर रहती थी, कमी खाए। और डबल चिकन डबल एग रोल दिलवाता था दोनों को निजाम से। वो तो कहते इतना सा कह रही मेरा पेट भर गया, मैंने कहा हाँ मुझे पता तेरा भरेगा ताकि दूसरा रोल भी मैं ही खाऊंगा। ये बताया हुआ है क्या ब्लॉग में पहले? हाँ, 50 बार। 50 बार नहीं, एक ही बार बताया होगा। जब तक लोगों के दिमाग में घुस ना जाए ना, तब बताया था ना जब 50,000 सब्सक्राइबर थे, 3 लाख। मिशन 4 लाख भाई। कहीं तो मैंने भुजिया रखी थी यहाँ पे और कल पूरा पैकेट था, अभी दिख नहीं रहा आलू भुजिया का पैकेट, पता नहीं कहाँ रखा है। आलू भुजिया कहाँ रखी है? कहाँ रखी है आलू भुजिया? कहाँ छुपा के रखी है? खत्म हो गई तो। अच्छा, खत्म हो गई? इतना मोटा पैकेट था कल। मैं क्यों छुपा के रखूंगी यार? आप ही ने छुपाई है। हमारे हॉस्टल में एक लड़की थी। हाँ, हमारे हॉस्टल में एक लड़की थी। हाँ। उसके घर से जो भी आता था, भुजिया, सेब और ये सब जो भी होता था, चनाचूर मिक्सर, सब अपनी इसके अंदर, अलमीरा के अंदर। हाँ। क्या हम उसमें के अंदर भुजिया ढूंढ सकते हैं? तो नहीं मिलेगी तुम्हें। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कपड़े। ओके, मेरे हिसाब से यहीं कहीं। ओह माय गॉड, कॉफी और ये सब गोल के नीचे छुपा के भुजिया रखा गया है दोस्तों। वोहो, आप फाइनली गॉट दिस। अ भुजिया लवर कैन ऑलवेज फाइंड भुजिया फ्रॉम वेरेवर। Hey, what do you have to say now? You have no shame. Huh? Well, you have no shame. Who has no shame? You have no shame. क्या छुपा के रखी थी ना दो डब्बों के नीचे? शाबाश। Okay guys, so that was the end of today's vlog. I hope you liked it. If you liked the vlog, then do subscribe to the channel. Next vlog is going to be out very soon. We are not very close to 4 lakhs, but on the way to 4 lakhs. तो 361 आप लोगों ने कराई थी भाई साहब, 39,000 लोग और बच्चे बंदे जो देख रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि करियर आगे बढ़े, थोड़ा बड़ा मजा आता है ना। प्लस स्टैंड अप चैनल पे नया वीडियो आ रहा है मंडे को, इंटरेक्शन वीडियो, बहुत मजेदार है। आई होप यू विल लाइक दैट। ऑल्सो सब्सक्राइब टू दैट चैनल ऑल्सो, सोमवार को डाल देंगे किसी भी टाइम।